morning, all of you. How are you? I hope you all are good, safe and healthy. Okay, so हमारे कल तक का जो टॉपिक हुआ था उसके आगे की जर्नी में चलते हैं. सो लेट्स कम विद आर द यस्टरडेज जर्नी विद सारांस फैमिली. ओके, सो आर फर्स्ट टॉपिक, सो आर टुडेज टॉपिक इज सिल्क. दिमाग में एक चीज आने लगती है कि हाँ, सिल्क की हमने सुना है, मोस्ट फेमस साड़ियाँ, सबसे पहले हमारे सिल्क की साड़ियाँ ही निकलती हैं. सो सिल्क एक बहुत ही कॉमन होता है, बट ये बहुत ज़्यादा उसके अलावा महंगा, और इसे एक तरीके से कहते हैं द क्वीन ऑफ फाइबर. ओके, एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट इज वेरी पॉपुलर. ओके, तो सिल्क किस चीज से बनता है? सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंसेक्ट दैट इज सिल्क मोथ. ओके, सिल्क मोथ से. तो यहाँ पर अब हमारा एक वर्ड, एक न्यू टॉपिक आता है, दैट इज सेरिकल्चर. सो व्हाट इज सेरिकल्चर? द प्रोसेस बाय विच वे रियरिंग द सिल्क मोथ फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम सिल्क मोथ को बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, जिसमें कि जिससे कि हमें सिल्क मिलता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरिकल्चर. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस, बिफोर वी रीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री, एंड दैट इज अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. तो एज वी ऑल नो, सिल्क इज ए natural fiber that which we obtain from animal. Okay, so now let's come about silk moth and the life history of silk moth. So the first stage, the female silk moth can lay egg. Aur ye egg jo hai wo kahan par lay karti hai? They lay egg in the leaves of mulberry. Okay, mulberry leaves mein ye egg lay karti hai. After that the egg जो ले वाले एग हुए, देन द सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है कि वो जो है लार्वा में चेंज होता है, हैच इनटू लार्वा एंड बिकम चेंज इनटू कैटरपिलर, और उन्हीं कैटरपिलर को हम सिल्क वॉर्म भी कहते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेज द चेंज इनटू आफ्टर लार्वा, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फीमेल सिल्क वॉर्म, एंड आफ्टर दैट इट ले एग, देन आफ्टर इट चेंज इट हैच इनटू लार्वा, एंड द लार्वा कन्वर्ट इनटू कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. ओके, सो द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म की प्रोसेसिंग यहाँ पर चलती है. तो वो क्या होता है, वो जब आफ्टर उनका वहीं पे देखभाल होती है और वो थोड़े से और साइज में बड़े हो जाते हैं, देन जब वो अपने नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, दैट इज प्यूपा. सो प्यूपा में जाने से पहले ये कैटरपिलर जो होते हैं ये कुछ वर्क करते हैं. क्या करते हैं ये? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को कवर अप करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने हेड का मूवमेंट करते हैं. ओके, चारों तरफ अपनी हेड को मूव करते हैं, और जब मूवमेंट होता है इनके हेड, ये क्या करता है, एक फाइबर रिलीज करता है. ओके, दैट इज प्रोटीन, मतलब एक प्रोटीन टाइप फाइबर रिलीज करता है, जो कि जिसमें से जो हमारी एयर वगैरह होती है वो रिमूव आउट पास होना थोड़ा सा बंद हो जाती है, एंड दैट इज दिस फाइबर इज चेंज इनटू द सिल्क फाइबर. ओके, तो सिल्क फाइबर से जब ये अपने आप को कवर कर लेता है, जो हमारा सिल्क वर्म होता है अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है, देन आफ्टर दे एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज प्यूपा. ओके, सो प्यूपा में जो ये स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसमें पूरा कवर अप होके जाता है, सो इन्हीं को क्या कहते हैं, कोकोन्स. ओके, COCOONS, दैट इज कोकोन्स. आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट प्यूपा. प्यूपा के बारे में हमने पढ़ लिया है. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेज, प्यूपा के बाद क्या होगा कि जो हमारा सिल्क, प्यूपा के बाद हमारा जो कन्वर्जन का प्रोसेस है वो जाएगा, हमारा सीधे चेंज हो जाएगा हमारे मॉथ्स में. ओके, सिल्क मॉथ में, कोकोन के अंदर ही प्यूपा है, में प्रोटेक्टिंग लेयर हमने कहा था जो बनी है, तो प्यूपा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द मॉथ, और वो कोकोन के अंदर से उड़ जाएंगे, ठीक है, मतलब मॉथ में चेंज होके फ्लाइंग
उड़ जाएंगे एंड आफ्टर दैट दे वो जो कोकोन है वो वहीं पे रह जाएगा एंड कोकोन का क्या होगा उसके बाद हम कोकोन को ही सिल्क फाइबर उसमें से हमने ये कहा था कि जो वो सिल्क फाइबर बनाते हैं तो जो कोकोन्स हैं उन्हें हम फैक्ट्रीज में लेकर जाएंगे हमारे वर्कर्स और चेंज करेंगे इनटू सिल्क फाइबर्स फॉर मेकिंग सिल्क. ओके तो यहाँ पर हमारी जो पूरी हिस्ट्री लाइफ हिस्ट्री थी हमारे सिल्क मॉथ की तो वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और हमने देखा कि कैसे हमारे कोकोन से हमें सिल्क मिलता है. सो सिल्क हमने कहा था क्वीन ऑफ फाइबर है. तो सिल्क जो होते हैं जैसे कि अलग अलग शिप्स अलग अलग गोट से अलग अलग टाइप का वूल मिलता है. सो लाइक दैट वी फाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क फ्रॉम द मॉथ्स. अलग अलग डिफरेंट मॉथ से हम डिफरेंट टाइप का सिल्क लेते हैं. सम कुछ सिल्क ऐसे होते हैं जो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं थोड़े ज़्यादा लस्टरस होते हैं, कुछ थोड़े कम लस्टरस होते हैं, कुछ थोड़े कम सॉफ्ट होते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा थिक होते हैं. इस तरीके के डिफरेंस होते हैं. ठीक है. सो हेयर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज सिल्क आर द मूंगा सिल्क द कोसा सिल्क एंड सम अदर एग्जाम्पल ऑल्सो. द मोस्ट कॉमन सिल्क इज फाउंड फ्रॉम दैट इज मलबेरी सिल्क. ठीक है. जो सिल्क मॉथ्स जो होती हैं मलबेरी लीव्स में जो सिल्क देती एग देती हैं एग लेइंग मैंने कहा था मलबेरी लीव्स में देती हैं तो उन्हीं को कहते हैं मलबेरी सिल्क एंड दे आर मोस्ट लस्चरस टाइप ऑफ सिल्क एंड इनका कलर जो होता है वो भी बहुत फाइन आता है. ओके सो जो सिल्क होती है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइप ऑफ फाइबर है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है एंड पूरा जो टूरिज्म प्लेस है वो भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है. हमारे इंडिया में जो ये पाया जाता है इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इनकी जो जैसे कि हम कहते हैं सिल्क की साड़ी सिल्क के सूट ये सारी चीज़ें जो बनती हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है. ओके सो हेयर इज समथिंग वी लर्न अबाउट द एल्डिंग ऑफ सिल्क दैट इज सिल्क वॉर्म. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक. So now here we go to the next topic and that is how we obtained silk from cocoon. हमें cocoon से silk कैसे मिलता है ये यहाँ पर हम इस process में पढ़ेंगे. Okay so first step is rearing and it is a very important process as you all know and you all study this rearing process at the time of wool topic also. So rearing process में क्या होता है. ठीक है. सो इन दिस रेयरिंग प्रोसेस मतलब रेयरिंग का मतलब वही होता है देखभाल करना. तो एक टाइम में एट वन टाइम जो सिल्क मॉथ होती है वो कितने एग्स देती है 100 to 200 एग्स लेकर दिया. ओके तो फिर इन एग्स को क्या किया जाता है. इन एग्स को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा जाता है एट द टॉप एट द कॉटन क्लोथ्स और इन द लीव्स. ठीक है. फिर देन आफ्टर दैट दे सोल्ड these eggs to the silkworm farmers. Farmers को दे दिया जाता है. ठीक है. फिर ये silkworm fibers farmers क्या करते हैं. silkworm farmers can मतलब बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं उन eggs की and get them into the एक well temperature well humidity वाले area में उन्हें रखते हैं. after दिस प्रॉब्लम हमारे मलबेरी लीव्स में न्यू लीव्स जो हैं ग्रो होती हैं ये प्रोसेस तब होती है. फिर जो हमारा कैटरपिलर है आफ्टर दैट द कैटरपिलर इज जो फार्मर्स हैं उन कैटरपिलर्स को कहाँ रख देते हैं जो बैम्बो ट्रीज होते हैं उनके पास रख देते हैं और फिर वो जो है उन और छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे और बहुत सॉफ्ट मलबेरी लीव्स को भी उनके पास रख दिया जाता है एंड दे ईट जो सिल्क वॉर्म और जो हमारे कैटरपिलर्स होते हैं दे ईट दीज मलबेरी लीव्स. तो आफ्टर 25 to 30 डेज दे स्टॉप दीज कैटरपिलर्स आर स्टॉप ईटिंग. ठीक है. अपने आप ही वो खाना बंद कर देते हैं. आफ्टर दैट दे इटसेल्फ गो इनटू द बैम्बो ट्री हट्स जो बैम्बो ट्रीज के छोटे ट्रेस बनाए रहते हैं वहाँ पर वो खुद चले जाते हैं टू स्टार्ट द प्रोसेसिंग ऑफ कोकोन्स. हमने लाइफ हिस्ट्री में पढ़ा था कोकोन की प्रोसेसिंग सेम वही प्रोसेस करने के लिए वो वहाँ पर खुद ही चले जाते हैं वो मौत में चेंज हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट जो है वो स्काई में उड़ जाते हैं दे फ्लाई ओवर द स्काई. ओके आफ्टर दैट दिस कोकोन आर कलेक्टेड बाय द फार्मर्स.
फार्मर्स से कलेक्ट किया जाता है एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन विद दिस कोकॉन्स, दिस कोकॉन्स आर स्टीम्ड और सिल्क फाइबर है, सिल्क फाइबर एंड कोकॉन्स जो है आपस में सेपरेट हो जाते हैं. आफ्टर दैट व्हाट इज हैपन, जो हमारा सिल्क फाइबर है वो तो हमें मिल गया, ठीक है, हमारा स्टीम वगैरह करा, उसके बाद जो सिल्क फाइबर है वो हमें मिल गया है. एंड आफ्टर दैट दिस सिल्क फाइबर, ये सिल्क फाइबर को इंडस्ट्री वगैरह में ले जाकर इनसे हम सिल्क में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो ये प्रोसेसिंग होती है हमारी, जिसमें कि हम बाय विच वी गेट सिल्क फ्रॉम द कोकॉन्स. ओके, सो हियर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज अवर लास्ट पॉइंट, दैट द रीलिंग ऑफ द सिल्क. सो व्हाट इज रीलिंग? So this silk fiber are converted into silk thread. So this process is called reeling of the silk. Okay? तो ये process कहाँ पर होती है? हमने देखा होगा commercially जो हमारी यहाँ पर हमारे country में जो ladies भी होती हैं वो भी इस तरीके का work करती है, और by the help of our industries, हमारे industry में बहुत सारी machineries होती हैं जिनकी help से हम reeling की process को करते हैं, और जो ladies होती हैं वो भी, जो workers होते हैं वो भी अपने हैंड से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं. ओके, तो ये प्रोसेस से लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक पैसा मनी अर्निंग भी कर सकते हैं, और ये प्रोसेस जो है एक तरीके से बहुत हेल्पफुल भी होती है. सो इस प्रोसेस से, दिस प्रोसेस इज कंप्लीट एंड इन दिस चैप्टर वी ऑलमोस्ट, दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी ऑलमोस्ट लर्न अबाउट द एनिमल फाइबर दैट इज वूल एंड सिल्क, एंड वी स्टडी, वी नो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द वूल्स सिल्क, सिल्क मॉल. प्लीज रिवाइज इट एट योर होम एंड वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ऑन द नेक्स्ट वीडियो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.